अच्छा, तो बात चल रही थी कि फर्स्ट अभी जो डिस्कस किया डिस्कनेक्ट हो गया था, तो करेक्ट मेथोडोलॉजी के बाद जो है करेक्ट नॉलेज होना चाहिए। ये 15 नॉलेज जो है ये अगर होंगे, इल्म होगा तो फिर वो मुफस्सिर जो है तफसीर कर सकता है। अगर इन चीज़ों में से किसी का इल्म नहीं है तो नॉलेज नहीं है तो उसकी तफसीर एक्सेप्टेबल नहीं है, या वो तफसीर में गलतियां करेगा, वो कुरान को गलत समझेगा। तो उसमें से थ्रू एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ रिलीजन, सबसे पहले जो बुनियादी इल्म है उसको अपने अकीदे का इल्म हो, यानी उसको पता हो कि इस्लाम के अकायद क्या हैं। तो बहरहाल वो सिक्स पिलर्स ऑफ जो फेथ हैं उनके बारे में डिटेल में उसको पता हो, अकायद के बारे में पता हो। तो सेकंड जो है नॉलेज ऑफ द अरेबिक लैंग्वेज एंड इट्स वोकैबुलरी, उसको अरबी लैंग्वेज का पता हो, उसकी वोकैबुलरी उसके हो, उसकी वोकैबुलरी अच्छी हो, क्योंकि वोकैबुलरी अगर नहीं है तो वो वर्ड्स को कैसे समझेगा, उसको कैसे पता चलेगा इसकी मीनिंग्स क्या है। डिक्शनरी में देखता रहेगा बार बार, लेकिन बार उसको प्रॉपर पता नहीं होगा, वोकैबुलरी अगर प्रॉपर नहीं है तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। नॉलेज ऑफ अरेबिक ग्रामर, तो अरेबिक ग्रामर का पता हो, अरेबिक ग्रामर से यहाँ मुराद नहव है। नहव क्या होती है? अरेबिक ग्रामर बेसिकली अरबी के अंदर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर उसको पता होना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? जैसे قال الله تعالى إن الله على كل شيء قدير, अब ऐसा नहीं हो सकता अल्लाह इन्ना शयुन कदीर, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये स्ट्रक्चर जो है उसका प्रॉपर पता हो, हर स्ट्रक्चर का अपना मतलब होता है, अपना मायना होता है, तो उस स्ट्रक्चर का उसको पता हो। मिसाल ले लें कुरान की एक आयत है, इन अल्लाह बरी उन मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु, कि अल्लाह बरी हैं मुशरिकीन से और उनके रसूल भी बरी हैं मुशरिकीन से। तो इसमें अगर स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा, अगर वो इस तरह पढ़ लेगा इन अल्लाह बरी उन मिनल मुशरिकीन व रसूल ही, तो ये अल्लाह बरी हैं मुशरिकीन से और अपने रसूल से, अल्लाह बरात का इजहार करते हैं मुशरिकीन से अल्लाह अपने रसूल से, तो ये गलत हो जाएगा माना। तो ये जेर जबर पेश जो आपको कुरान में नजर आ रही होती है आखिर में, खास करके ये सूरह अनफाल को पढ़ें कि इन अनफाला अनफालो अनफाले, इसी तरह अल्हम्दु अल्हम्दा अल्हम्दे अल्लाहु अल्लाह अल्लाह इन अल्लाह अल्लाहु अला कुल्ली शयइन कदीर लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, तो इस तरह ये जेर जबर पेश जो आपको नजर आती है, मुस्लिमूना मुस्लिमीना, तो इसी तरह जो है काफिरूना काफिरीना, तो ये जो आपको चेंज नजर आता है ये बेसिकली ये ग्रामर के प्रिंसिपल्स हैं। अगर किसी को पता होगा इसका तो उसके अकॉर्डिंग मीनिंग्स बदल जाती हैं, माना बदल जाते हैं, तो उसका मतलब बदल जाता है, तो बहरहाल उसका पता होना चाहिए। इसी तरह नॉलेज ऑफ अरेबिक मॉर्फोलॉजी है, सर्फ जो है जो वर्ड्स बनाने की जो फैक्ट्री है, बेसिकली वर्ड्स कैसे बनते हैं, जैसे इल्मुन से आलिमुन मालूमुन और मुअल्लिमुन मुतअल्लिमुन, इसी तरह मुअल्लिमन मुअल्लिम मुअल्लम मुतअल्लिम, ये जो सारे वर्ड्स हैं एक ही वर्ड से बनते हैं। जैसे आप कहें कि तफसीर अभी हमने डिस्कस किया, तो मुफस्सिर मुफस्सर और तफसीर और फासिर फसर फसरा युफस्सिरु तफसीरन युफस्सिरूना तुफस्सिरूना लम युफस्सिर लम युफस्सिरा, ये जो सारे वर्ड एक स्ट्रक्चर है बकायदा, उसके थ्रू जो है वर्ड्स वो बनते हैं और उसके थ्रू वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, उसको इल्म सर्फ कहते हैं। इसका पता होना चाहिए उसको कि वर्ड्स कहाँ से बने। तो नॉलेज ऑफ द बेसिस ऑफ अरबिक वर्ड्स एंड वर्ड स्ट्रक्चर, इल्म इश्तिकाक होना चाहिए, वर्ड्स के रूट लेटर का पता होना चाहिए। तो और अगर रूट लेटर का पता नहीं है तो उसको पता नहीं होगा कि ये वर्ड्स किस से बना है। जैसे दा 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 दऊ दाऊ, तो मैंने दुआ दी, मैंने दुआ की, मैंने दुआ दी, तो बार इसका रूट लेटर जो है वो दाल आइन वाव है। इसी तरह और भी बहुत सारे अल्फाज हैं, उनके रूट लेटर्स का अगर पता नहीं होगा तो वो तफसीर प्रॉपर नहीं कर सकेगा, वो पहले कुरान को समझ ही नहीं सकेगा, तफसीर करना तो दूर की बात है। नॉलेज ऑफ अरेबिक जो इल्मुल कलाम है, इल्मुल मानी है, इल्मुल बयान है, ये बेसिकली अरबी की फसाहत के उसूल हैं कि आप एक लफ्ज़ को किस तरह अदा करते हैं, एक सेंटेंस को किस तरह अदा करते हैं, एक सेंटेंस के अंदर खूबी कैसे पैदा करते हैं, हुस्न कैसे करते हैं उसके अंदर, यानी आप अल्फाज के अंदर, जैसे आप नॉवल पढ़े होंगे तो नॉवल के अंदर जो अल्फाज के साथ खेलता है एक नॉवल लिखने वाला राइटर, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जो अल्फाज चुने हैं कमाल अल्फाज चुने हैं, अल्लाह ताला की जो कलाम है वो हकीकत पर मबनी है, तो उसके लिए जो अल्फाज उसके लिए जो सूटेबल थे उन अल्फाज उस जगह पर ताबीर उसके मतालिब को बयान करने का अंदाज, ये बिल्कुल अनोखा सा है कुरान करीम का, जो आमतौर पे आपको दूसरी जगहों पे अरबी में नहीं मिलेगा, तो इसका पता होना चाहिए बेसिकली। इसी तरह जो किरातें किरातें हैं, सही किरातें कौन सी हैं, शाज किरातें कौन सी हैं, बातिल किरातें कौन सी हैं, कुरान में किरातें हैं जैसे मैंने पहले एक जिक्र भी किया था उसके अंदर के वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजे, इसी तरह जो है कुरान की किरातों में मुख्तलिफ इख्तिलाफ है, तो सही किरातों का इल्म होना चाहिए। जब किरात का उसे इल्म होगा तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं माने में तब्दीली आती है, तो उसको उस तब्दीली उसको आराम से मिल जाएगी। जैसे उसमें आता है वक़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु,
कि वक़द और रब्बू का अल्लाह ताबुद इल्लाहू, ये एक रिवायत है, तो इसमें एक किरात ही आती है, वसा वसल्लाहु अल्लाह ताबुद इल्लाहू, अल्लाह ने वसीयत की है कि तुम जो है वो करो वालिदैन के साथ जो है, और अल्लाह के साथ जो है किसी को शरीक ना करो, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, तो और उसकी वजह से माना बदल जाता है काफ़ी हद तक। तो इसका इल्म होना चाहिए, द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिका, उसूल फिका का इल्म होना चाहिए, कि उसमें जो 400-500 आयात हैं कुरान करीम की, जिसके लिए आप प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आप सोल्यूशन लेके आएंगे, आप अपनी प्रैक्टिस के को ड्राइव करेंगे कुरान से, तो उस प्रैक्टिस को कुरान से ड्राइव करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं उनका पता होना चाहिए, और वो एक डिटेल नॉलेज है इल्म उसूल फिका, प्रिंसिपल्स ऑफ फिका, ज्यूरिसप्रूडेंस की जो फिका है, प्रिंसिपल्स हैं उसका पता होना चाहिए। और इसी तरह जो नॉलेज ऑफ फिका, ज्यूरिसप्रूडेंस जो है, फिका जो है, जो कुरान से हासिल करदा जो अहकामात हैं, सहाबत ने जो प्रैक्टिकल लाइफ से रेलिवेंट जो अपने फतावा दिए हैं, तो उन फतावा का जो मजमूआ है उसके बारे में इल्म होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात में सहाबा ने जो सहाबी ने जो फतवा दिया, अपनी राय दी है, वो राय भी तो काबिल एतबार है, तो उसके बारे में इल्म होना चाहिए। और जो भी कुरान से फुकाहा ने, फिके हनफी शाफी मालिकी जितने भी फुकाहा हैं, उन्होंने जो भी बुक्स लिखी हैं, उन बुक्स के अंदर जो भी मसाइल लिखे हैं, उनका आइडिया होना चाहिए, ताकि जो जब तफसीर करे और अहकामात को बयान करे, तो वो उनकी रोशनी में, और जो पहले से बयान करता चीज़ें हैं उनकी रोशनी में वो बयान कर सके। अच्छा, अगली जो चीज़ है नंबर 10 पे अगर आप आ जाएँ, तो द नॉलेज ऑफ असबाब नज़ूल, तो जो असबाब नज़ूल हैं कि एक आयत कहाँ उतरी है, किन बेसिस पर उतरी है, इसका वाकया क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पता होना चाहिए। अगर पता नहीं होगा तो बाज़ औक़ात उसकी तफ़सीर को समझने में थोड़ी सी दुश्वारी पैदा आती है। तो द नॉलेज ऑफ नस्ख, कौन सी आयत मनसूख है, कौन सी आयत नासिख है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसके बारे में जो है इल्म होना चाहिए कि नासिख कौन सी आयत है और मनसूख कौन सी आयत है। अच्छा, 11 नंबर जो है द नॉलेज ऑफ नस्ख, तो नस्ख के बारे में जो है इल्म होना चाहिए मुफस्सिर को तफसीर करते वक्त, कि कौन सी आयत मनसूख है और कौन सी आयत जो है नासिख है, और कुरान में इस तरह की ज़्यादा आयत नहीं है, कुछ मुफस्सिरीन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के अकॉर्डिंग जो है 21 जो आयत हैं वो मनसूख हैं, बाकी अल्लामा शाहबुल मुहद्दिस देहलवी जो मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि वो कहते हैं 5 आयत जो हैं वो मनसूख हैं। तो जैसे मैंने एक मिसाल दी थी इद्दत के बारे में, इस तरह की और कुछ आयात हैं जिनके बारे में फरमाते हैं, तो बहर उनको होना चाहिए। द नॉलेज ऑफ हदीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर्टिकुलर दोज रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान, कुरान की तफसीर से, कुरान की एक्सप्लेनेशन से रेलिवेंट जो हदीसें उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, इल्म होना चाहिए तफसीर करने वाले को, कि तफसीर करने वाला को अगर हदीस का इल्म नहीं है तो हदीस के खिलाफ तफसीर कर सकता है, या हदीस के बगैर जो है कुरान को गलत समझ सकता है, गलत तरफ ले जा सकता है, कुरान को होना चाहिए। लास्ट में जो है बट नॉट लीस्ट इन द इज जो है इज द गिफ्टेड नॉलेज विच अल्लाह ग्रांट टू हिज क्लोजर सर्वेंट, दे आर द जो सर्वेंट्स इंडिकेटेड इन द हदीस, के इल्म लुदनी जिसे कहते हैं, गॉड गिफ्टेड नॉलेज जो है वो ये होता है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला विल ग्रांट वन हु एक्ट्स अपॉन व्हाटएवर ही नोस फ्रॉम अ नॉलेज ही नेवर न्यू। जब इंसान अपने इल्म पे अमल करता है तो अल्लाह उसे ऐसे इल्म से नवाजते हैं, ऐसा इल्म देते हैं जो उसे पहले इल्म नहीं होता, जो जिस चीज़ को नहीं जानता, हिकमत से नवाजते हैं, दानाई से नवाजते हैं, समझ से नवाजते हैं, फरासत से नवाजते हैं। तो बहरहाल ये 14 नॉलेज हैं जिनका इल्म जो है कुरान को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए ज़रूरी है। जब वो कुरान को एक बंदा समझ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए तफसीर करना, उसको बयान करना आसान हो जाता है, तफसीर करना ठीक हो जाता है। और आज के दौर में देखें तो जुगाड़ लगा रहे होते हैं, हर चीज़ के अंदर यही हाल होता है। इन पूरे ऊपर वाली जो चीज़ें हैं, ऊपर के जो नॉलेज और करेक्ट नॉलेज, करेक्ट बिलीव्स, और इन सारे एंगल्स को अगर समराइज करें तो द कंडीशंस फॉर डूइंग तफसीर, तफसीर के लिए 3 मेन कंडीशन जो हैं आपको मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू शाह अज़ीज़ देहलवी रहिमहुल्लाह। एम्फसिस शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग 3 कंडीशंस इन हिज तफसीर ऑफ द कुरान। Every word should be explained with its real meaning in order to achieve the mufassir should have command in linguistic knowledge and grammar. तो उसको हर वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए उसको उसकी ग्रामर पर कमांड हो, उसकी लिंग्विस्टिक एंगल जो है उसकी उस पर कमांड हो, उसका नॉलेज हो। सेकेंड जो everything needs to be explained within its reference and context to the main theme, के कॉन्टेक्स्ट से हटा के, सियाक सबाक से हटा के उसको एक्सप्लेन ना करें, जिस सियाक सबाक में वो बात चल रही है उसी सियाक सबाक में उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, अपनी मर्जी से उसको उठा के एक सेंटेंस को किसी पे फिट नहीं करना चाहिए। जो कुरान की एक्सप्लेनेशन है शुड नॉट बी कॉन्ट्रेरी टू दैट ऑफ द सहाबा
Rizwanullah Ta'ala'i Majma'in, who witnessed the coming of the revelation to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, کہ جو بھی تفسیر ہو وہ صحابہ کی تفسیر سے ہٹ کے نہ ہو, صحابہ کی تفسیر کے خلاف نہ ہو, صحابہ کی تفسیر سے کانٹراڈکٹ نہ ہو اس کا. تو بہرحال تفسیر کرتے وقت صحابہ کے اقوال کو خیال رکھنا چاہیے. اب آتے ہیں کائنڈ آف تفسیر. تفسیر کی مختلف قسمیں ہیں, مختلف ٹائپس ہیں, وہ ساری ٹائپس جو ہیں میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. تو بیسک تھری ٹائپس جو تفسیر کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فرسٹ جو ہے تفسیر کی ٹائپ ہے تفسیر بالروایات. روایت سے مطلب یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں, جو احادیث ہیں, اسی طرح قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کے تھرو تفسیر کرنا. تو تفسیر بالمأثور بھی کہتے ہیں اس کو, مأثور اثر اثر روایت کو کہتے ہیں, حدیث کو بھی کہتے ہیں. تو تفسیر بالمأثور یا تفسیر بالروایہ یہ وہ تفسیر ہوتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے قرآن کو ایکسپلین کیا جاتا ہے, قرآن کو سمجھایا جاتا ہے. اس کی سب سے پہلی تفسیر جو ہے امام سیوطی رحمہ اللہ کی ہے, الدر المنثور جو ہے یہ تفسیر ہے. اور اسی طرح جو علامہ ابن کثیر نے جو تفسیر کی ہے, علامہ شوقانی نے تفسیر کی ہے, یہ ساری تفاسیر جو ہیں یہ تفاسیر احادیث کے تھرو قرآن کو سمجھایا گیا ہے. دوسری یہ تفسیر بالرائے, اور اس کو تفسیر بالدرایہ بھی کہتے ہیں. تفسیر بالرائے یہ کہ اپنے اوپینین سے تفسیر کرنا, یعنی قرآن کی لینگویج کو سمجھنے کے بعد پھر اس کو اپنا اوپینین اپنے نالج کی بیس پر جو ہے اور اپنے اوپینین کی بیس پر قرآن کو ایکسپلین کرنا. اس میں تفسیر کشاف ہے علامہ زمخشری کی, اور اس طرح دیگر تفاسیر ہیں جو تفسیر بالدرایہ یا تفسیر بالرائے بھی کہتے ہیں. اگلی ہے تفسیر بالاشارہ. تفسیر بالاشارہ یہ ہے کہ جو اشاروں کے نایوں کی جو بات سمجھ آتی ہے قرآن کی سائڈ سے, جیسے قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف, ان کے ماں باپ کو اف نہ کہو. اب اف نہ کہنے سے اور احکام مستنبط کرنا کہ ماں باپ کے سامنے ان کی تردید کرنا, ان کو برا بھلا کہنا وغیرہ, اس طرح کے احکامات جو ہے مستنبط کرنا, استنباط کرنا, ڈرائیو کرنا, اور اس طرح قرآن کے اندر سے ڈیپتھ میں جا کے اور اس کی نئی میننگس جو ہے, نئے کانسیپٹس ڈرائیو کرنا. تو اس طرح کی جو تفسیر ہیں, اس میں تفسیر رازی ہے, تفسیر بغوی ہے, تفسیر خازن ہے, یہ تفسیر جو ہیں یہ مشہور تفسیر ہیں. فائیو سائنسز آف دا قرآن, شاہ محدث دہلوی رحمہ اللہ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ, ان کی کتاب ہے الفوز الکبیر. تو اس کے اندر انہوں نے قرآن کریم کی جو تمام آیات ہیں, قرآن کریم کی تمام جو صورتیں ہیں, ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ قرآن میں کون سے علوم اور کون سی سائنسز کو ڈسکس کیا گیا ہے, تو ایسا تو ہم نہیں بتا سکتے کہ قرآن کے اتنے چیپٹرز ہیں اور اسپیسیفک چیپٹر اس کے لیے ہے. فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ آخرت سے ہے, سیکنڈ چیپٹر وہ جنت سے ہے, جہنم سے, اس طرح تو آپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہر آیت میں, ہر اس میں سورت میں الگ الگ علوم بیان کیے گئے ہیں, الگ الگ سائنسز کو بیان کیے گئے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا, انہوں نے فائیو سائنسز جو ہیں اگر قرآن کو پڑھیں تو قرآن کی آیات, قرآن کی جو سورتیں ہیں ان میں ہر آیت, ہر جو سورت ہے اس میں جو بھی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں ان پانچ علوم میں سے کوئی ایک علم ہوگا, ان فائیو سائنسز میں سے کوئی ایک سائنس جو ہے اس میں کور کی جا رہی ہوگی. تو سب سے پہلی جو جس سائنس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ علم الاحکام ہے. وہ علم الاحکام کیا ہے کہ جو ڈیلی بیسس پر ہمیں جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں جو احکامات چاہیے, جیسے شادی کے احکامات ہیں, شادی کن عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے, کن سے جائز نہیں ہے, اور اسی طرح جو ہے خرید و فروخت کے معاملات ہیں, ٹرانزیکشن کے معاملات ہیں, اسی طرح جو ہے اپنا سزائیں ہیں, اس کی جزائیں ہیں, یہ سارے جو احکامات ہیں اس کو علم الاحکام کہہ سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ سائنس ہے, یہ آپ کو کہیں آیات میں یہ بکھرا ملے گا. تو انجنکشن جو ہیں, یہ علم الاحکام جو ہے, سائنس آف انجنکشن جو علم الاحکام ہے, یہ آپ کو تفصیل میں قرآن کریم کے اندر ملے گا. مختلف آیات میں جب آپ دیکھیں گے تو یہ بکھرا ہوا ملے گا. سیکنڈ جو آپ کو قرآن کی آیات میں ملے گا اس سے یعنی آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں, اس کو ڈائلیکشن, جو علم المحاسمہ ہے جس کو ڈیبیٹ کا علم بھی کہہ سکتے ہیں, ڈسپوٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, سائنس آف ڈسپوٹیشن کہہ سکتے ہیں. کہ علم المحاسمہ یہ ہے کہ جو قرآن نے مختلف فرقوں کو ذکر کیا, بنیادی طور پہ قرآن نے چار طرح کے فرقوں کو ذکر کیا ہے, چار طرح کے جو نان بلیورز ہیں ان کو ذکر کیا ہے, اور ان کے عقائد کو ذکر کر کے ان کے عقائد کو, جو غلط عقائد ہیں ان کو ریجیکٹ کیا ہے, اور جو صحیح عقائد ہیں اس کو قرآن نے ایکسپلین کیا ہے اور بیان کیا ہے. تو اس میں ایک کفار, مشرکین مکہ ہیں, اسی طرح یہود ہیں, نصارہ ہیں اور منافقین ہیں. یہ چار طرح کی جماعتیں ہیں جو نان بلیورز ہیں, تو ان کے عقائد کو قرآن نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اگر آپ قرآن شروع سے پڑھنا شروع کریں تو سورہ بقرہ میں اتنا عقائد پہ بات نہیں ہوتی اور غلط عقائد کو رد نہیں کیا اتنا,
तो सूरह बकरा के बाद जो आगे सूरह आल इमरान में जाते हैं, तो वहां पे जो अहले किताब हैं उनको जो है उनके अकायद को, उनके गलत अकायद को कुरान ने जो है बयान किया। तो बहरहाल इल्म अल मुखासमा ये है बेसिकली, जिसको डिबेट भी कह सकते हैं, कि कुरान में बहुत सारी आयात आपको मिलेंगी इस नॉलेज से रेलिवेंट, इस साइंस से रेलिवेंट कि कुरान ने गलत अकायद को रिजेक्ट किया है और जो सही अकायद है उसको बयान किया है। तो इसके अकायद के अंदर जो है मेन जो जो नॉन बिलीवर्स थे जिनको फोकस किया और जिनके नाम लेके डिस्कस किया है, उनके बिलीव्स को डिस्कस किया है, बेसिकली मुशरिकीन मक्का हैं। और उसके बाद सेकंड जो है अहले किताब हैं, अहले किताब में दो आ जाते हैं, ज्यूज़ हैं और उसके अलावा क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म को। और थर्ड में जो है वो फोर्थ जो है वो मुनाफिकीन को जो है उनको जो है उनके अकायद को, उनकी बातों को डिस्कस किया। आगे अगर आप चलें कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान को कुछ आयात और कुछ आयात में आपको मिलेगा कि कुरान जो है इल्मुल तज़कीर भी आला इल्ला, कि अल्लाह तबारक व तआला जो है साइंस ऑफ डिवाइन फेवर्स, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फेवर्स दिए इंसान को, जो अल्लाह की नेमतें हैं उसके ज़रिए अल्लाह पाक इंसान को जो अपनी तरफ बुलाते हैं या दहानी करवाते हैं, नसीहत करते हैं अल्लाह तआला। तो उसमें अल्लाह तआला मुख्तलिफ अपनी जो इनामात हैं जो दुनिया में किए हैं उन इनामात का भी जिक्र करते हैं, जो आखरत में किए हैं इन इनामात का भी जिक्र करते हैं। तो बहरहाल ये कुरान में बिखरा हुआ आपको मिलेगा अल्लाह तआला के इनामात का तज़किरा, दुनिया और आखरत के इनामात का तज़किरा। और फोर्थ जो साइंस है, साइंस ऑफ कवरिंग जो साइंस है, वो जो अच्छे लोग हैं, जो ओबीडियंट लोग हैं, तो उनकी उनको फेवर दी है, उनको जो अच्छे लोग हैं ओबीडियंट लोग हैं उनके तस्करे किए हैं, उनको फेवर दिए अल्लाह पाक ने। और जो डिसओबीडियंट हैं उनकी पनिशिंग के और पनिशमेंट के तस्करे हैं कुरान के अंदर। इसको कहते हैं इल्म तस्कीर बे अय्यामिल्ला, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के जो वाकयात हैं, स्टोरीज हैं, किस्से हैं, और जो कौमों के किस्से हैं और अच्छी और बुरी कौमों के किस्से हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है और उनकी कौम का जिक्र है, लूत अलैहिस्सलाम का है, इसी तरह कौम आद, कौम हूद और समूद जो है, ये सारी कौमें हैं और जिनको तबाह किया, सजा दी, आज़ाद दिया, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का तस्करा। तो बहरहाल ये तस्करा है बेसिकली हमें इसलिए जिक्र किया जा रहा है कि अगर तुम भी ये करोगे तो तुम्हारे साथ भी होगा। तो बहरहाल कुरान में ये बिखरा हुआ मिलेगा। तो ये वाली साइंस जो है कुरान की कि इल्म तस्कीर भी अय्यामिल्लाह, तो अल्लाह ने हिस्ट्री को डिस्कस किया है इसलिए कि ताकि तुम पता चले कि माजी में अल्लाह ने ये किया है और तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है। और लास्ट जो फिफ्थ साइंस है वो बेसिकली इंसान को रिमाइंड करवाती है डेथ के बारे में, मौत के बारे में और मौत के बाद के वाकयात के बारे में। तो कुरान में आपको बहुत सारी ऐसी आयात मिलेंगी जिसमें मौत की कैफियत के बारे बयान किया गया, जल्तफत इस्साक व बिस्साक, जब पिंडली पिंडली से मिलती है, और इसी तरह मौत के बाद की कैफियत को बयान किया है, जन्नत जहन्नम को बयान किया है। तो बहरहाल मौत और मौत के बाद की जो चीज़ें हैं उसको कुरान ने डिस्कस किया। तो बहरहाल जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में हर आयत इन पाँचों, इन फाइव साइंसेज में से किसी न किसी साइंस से रिलेट करती हुई आपको मिलेगी, इन फाइव साइंसेस को डिस्कस करती हुई आपको वो आयत मिलेगी। कभी इल्म अल अहकाम को डिस्कस करेगी, कभी इल्म अल मुखासमा को, डिबेट के इल्म को डिस्कस करेगी, जिसमें कभी यहूद को डिस्कस किया जा रहा होगा, कभी नसारा को डिस्कस किया जा रहा होगा, कभी मुनाफिकीन को डिस्कस किया जा रहा होगा, कभी मुशरिकीन के अकायद को डिस्कस किया जा रहा होगा, कभी इल्म तस्कीर भी आला इल्ला, जो अल्लाह ने फेवर्स दिए हैं, डिवाइन फेवर्स हैं, उसको अल्लाह डिस्कस करेंगे। उसकी साइंस आपको नजर आ रही हो, कहीं पर जो हिस्ट्री को डिस्कस किया गया है, इल्म तस्कीर भी अय्यामिल्ला, जो ओबीडियंट हैं उनके वाकयात हैं, जो डिसओबीडियंट हैं उनके वाकयात हैं, डिसओबीडियंट के पनिशमेंट के वाकयात हैं, उनको पनिश करने के वाकयात हैं, और ओबीडियंट को फेवर देने के वाकयात आपको मिलेंगे। और लास्ट में आपको बिखरा हुआ मिलेगा कुरान की नज़र, हर आयत को पढ़ेंगे तो उसमें मौत का तस्करा मिलेगा, मौत के बाद की लाइफ का तस्करा मिलेगा। तो बहरहाल अगर कुरान को अगर समझना चाहें तो ये फाइव साइंसेज जो हैं कुरान में बिखरी हुई मिलेंगी, और कुरान की टोटल जो है समरी आप इसके बना सकते हैं। आगे हम कुरान के मिरकल्स को देखते हैं, कुरान की जो है मौजज़े को देखते हैं। तो फर्स्ट मिरकल जो है लिटरेरी मिरकल है कि कुरान की जो वर्ड्स हैं, कुरान की जो लैंग्वेज है, ये अल्लाह तआला के अल्फाज हैं। तो अल्लाह तआला ने तीन जगह पे फरमाया है कि इस जैसा कुरान नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? बेसिकली कुरान करीम जो है अल्लाह के अल्फाज हैं, और अल्लाह तआला ने न सिर्फ अल्फाज जो हैं ऐसे जो और नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ये अल्फाज एक हकीकत को बयान करते हैं, और जब इंसान को रियलिटी का पता होगा तो वो एक्सप्लेन करेगा। तो इंसान को किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक रियलिटी का पता हो, दूसरा उसको एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स जो हैं उस पर ग्रिप हो। तो अल्लाह तबारक तआला इन अल्फाज के बनाने वाले हैं, क्रिएटर हैं, तो उनको रियलिटी का भी पता है और अल्फाज की ग्रिप तो अल्लाह हैं, वह लैंग्वेज के बनाने वाले हैं, तो ग्रिप क्यों नहीं होगी? तो अल्लाह कुरान के अल्फाज भी ऐसे हैं, उन जैसे अल्फाज यानी उस जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, उस स्ट्रक्चर में जो मीनिंग्स बयान की गई हैं, जो हकायक को बयान किया गया है,
जो पहले के हकायक को बयान किया जाएगा, जो आखिरत के हकायक को बयान किया जाएगा, उन हकायक तक इंसान की रसाई, इंसान उन तक नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए कुरान ने चैलेंज किया है जिन इन सारे मिल जाए कुरान लाना चाहे तो नहीं ला सकते। फिर उस चैलेंज को थोड़ा नीचे किया, ये लोग कहते हैं कि ये कुरान इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बनाया, घड़ा हुआ है, मनगढ़ंत है ये कुरान। कहते हैं ठीक है, कुल फातु बि अशरि सूरतिन मिस्लिही, इस जैसी 10 सूरतें लेके आ जाओ, मुफ्तरियात, वदउ मन इस्तअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, जिसको बुलाना चाहते हो अपनी हेल्प के लिए बुला लो, और कुरान जैसा बनाना चाहते हो बना के लो, नहीं बना सकते। उससे भी नीचे आके अल्लाह ने कहा सूरह यूनुस आयत नंबर 38, हम यकूलून अफ्तराहु कुल फातु बि सूरतिन मिस्लिही, एक सूरत लेके आओ, सूरह कौसर, इन्ना आतैनाका अल-कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिका हुवल अबतर, इतनी छोटी सी सूरत बना के लिए आओ भाई। अल्लाह कहते हैं वदउ मन इस्तअतुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो इस बात में कि ये कुरान मोहम्मद ने बना लिया ससम, तो इस जैसा कुरान बना के लो, इस जैसी मीनिंग को, इसके मायनी को, इस जैसे स्ट्रक्चर को बना के लाओ। तो कुछ लोगों ने हिस्ट्री में इस तरह की वर्किंग करने की कोशिश की है, यानी एक मजाक सा बनाया है, अलफील मलफील वमा अदरा का मलफील, इस एक ऊँट है, ऊँट के बारे में तुम क्या जानते हो, ऊँट है, उसकी लंबी सी सूंड है, और ये है, इसके अंदर कौन सा सबक है, तो उसकी मीनिंग्स नहीं है, अल्फाज बना लिए, मीनिंग्स नहीं है, अल्फाज के अंदर वो चाशनी नहीं है, वो मजा नहीं है, वो रिदम नहीं है जो कुरान के अंदर। तो कुरान का ये चैलेंज है, कुरान मौजिज़ है, कुरान मिरकल है, कुरान जैसा कुरान नहीं बनाया जा सकता, कुरान जैसी अल्फाज नहीं डाले जा सकते, क्योंकि अल्लाह के जो है ये अल्फाज। सेकेंड जो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स इन द कुरान, कुरान के अंदर हिस्ट्री के जो वाक़यात हैं उसके फैक्ट्स हैं। अब तो वो क्रिश्चियन हो गए और ज्यूज जो हैं उनके पास जो हिस्ट्री सेफ है उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन है, लेकिन ये वो बात हैं जो आपके सामने जो आयत सूरह रूम की 1-5 तक, जो 5 वर्सेस हैं, पहली 5 आयात हैं सूरह रूम की, इसके अंदर अल्लाह तआला ने ये आयात उतारी थी, और इन आयात में एक पेशन गोई की थी। उस वक़्त हुआ ये था कि 2 सुपर पावर थी, एक रोमन सुपर एम्पायर थी और सेकंड जो थी पर्शियन थी, एक फारस थी पर्शियन और दूसरी थी रोमन, रूम की सुपर पावर थी। अच्छा, रूम के जो लोग थे ये अहले किताब थे, ये क्रिश्चियन थे, और जो पर्शियन थे, फारस के जो लोग थे, ईरान वगैरह का जो एरिया उस वक्त था आसिम के दौर में, ये मजूसी थे। अब मजूसी जो थे वो आतिश परस्त थे और आतिश की पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे, और जो रोमन एम्पायर जो था वहाँ वो जो थे वो क्रिश्चियन थे, तो वो ईसा अलैहि सलाम को मानते थे, आप अल्लाह का बेटा मानते थे, वो अहले किताब थे, कम अज़ कम वो अल्लाह को मानते थे, कुछ तालीमात को मानते थे, ओवरऑल वो उनकी तालीमात में गड़बड़ थी। तो बहरहाल हुआ ये कि फारस के लोगों ने हमला किया और रूम के लोगों पर गालिब आ गए, अलिफ लाम मीम गुले बद्दे, रूम के लोग मगलूब हो गए, शिकस्त खा गए। तो फिर अदना लड़ते वो दूर अरब से दूर जगहों पे, आप देखें या सामने आपके नक्शा है जो आगे में पूरा बड़ा करके दिखा दूंगा, तो वो मगलूब हो गए। तो अल्लाह तआला ने पेशन गोई की इन आयात के थ्रू, फी अदना लड़ते वो हम में बाद गलबिहिम सयगलिबून, कि रूम के जो लोग हैं वो गालिब आएंगे बाद में। अच्छा, मुशरिकीन मक्का ने जब यह आयत सुनी तो उन्होंने कहा कि रूम के जो लोग हैं उनकी सल्तनत पूरी फतह हो गई और छोटा सा एरिया जो है उनके पास बाकी बच गया है, तो ये थोड़े से जो लोग हैं और जो लोग थोड़े बचे भी हैं और उनके पास सल्तनत नहीं है, पावर नहीं है, फौज नहीं है, वो रूम के लोग मगलूब हो गए हैं, तो फारस के सामने वो क्या खड़े होंगे, तो ये तो कभी ऐसे हो ही नहीं सकता, ये झूठ है। तो अल्लाह ने फरमाया फिर बिदअ सनीन, चंद सालों में जो है ये गालिब आ जाएंगे, मिन कब्ल व मिन बाद व यौम यफ़रहुल मुमिनून, और उस दिन मोमिन जो है खुशी मनाएंगे, क्योंकि मोमिन अहले किताब के साथ उनकी हमदर्दियाँ थी और कुफार और मुशरिकीन की हमदर्दियाँ मजूस के साथ, तो इस वजह से वो कहते थे कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने दिखाया कि बाद में रूम के जो सल्तनत थी वो फारस पर गालिब आ। अब ये वो हकीकत है जो कुरान ने उस वक़्त बयान की जब वो हुआ ही नहीं था, और पेशन गोई उसके बाद की बाद में, और बाद में ऐसा हो गया। तो कुरान में बहुत सारी चीज़ें बयान की, अहादीस में इस तरह बयान की हैं जो कुरान के तनाजुर में, याजूज माजूज का आना, क्या इस दुनिया का तबाह होना, ये सारी चीज़ें, क़यामत का, इस ज़मीन आसमान का तबाह होना, ये सारी जो चीज़ें तस्कर हैं ये कुरान का मौजज़ा है, उन हकायक को बयान किया जिन हकायक तक आज भी दुनिया नहीं पहुँच सकी। ये आपके सामने पूरा नक्शा है, ये जो आपकी राइट साइड पर आप देखें पर्शियन एम्पायर जो है, जिसको आज ईरान का एरिया यहाँ पे आ जाता है, इसके साथ बिल्कुल नीचे को सिंध का एरिया मिलता है जहाँ पे पाकिस्तान का एरिया कुछ बनता है, दोबारा लिए अफगानिस्तान, ईरान और बाकी एरिया जो हैं, और इसी तरह दूसरी साइड पे जो है जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है
ये बेसिकली उस वक्त रूम का जो एरिया था ये दो सल्तनत और ये उमर रजतन के दौर में दोनों फतह हुई। अच्छा थर्ड जो हिस्टोरिकल फैक्ट जो है इन द कुरान, ये डॉक्टर मुर्सी जो है इनको जो 1980s की बात है कि फ्रेंच गवर्नमेंट जो है उनको परमिशन मिली, गॉड परमिशन ऑफ इजिप्शियन जो गवर्नमेंट है कि वो जो फिरौन की ममी है, फिरौन की जो लाश है उस पर वर्किंग करने की और उस पर रिसर्च करने की जो है उनको टास्क मिला और उनको परमिशन मिली। तो डॉक्टर मुर्सी जो है इन्होंने, ये हेड थे, हेड ऑफ द पैनल थे, तो इन्होंने इस पर रिसर्च की और रिसर्च करते करते वो इस आयत पे जब गए तो फल्योमा उन्होंने जी का भी बता निकाले तो कौन अली मन खल्फ का आयत हम फिरौन के बारे में अल्लाह ने फरमाया था हम इसको डुबो देंगे लेकिन इसकी लाश को बचा लेंगे। दोबारा वो उसकी लाश पे जब वर्किंग की तो उसको पता चला कि ये बहुत पुरानी है, तो उसने सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 के ऊपर उसको सामने आया तो बाद में ये जो था रिसर्चर ये मुसलमान हो गए। तो कुरान ने फिरौन की लाश को बचा, आज भी उसकी लाश इस तरह सेफ है, महफूज है। अब फोर्थ और लास्ट जो है जो ज़मीन की जो शेप है उसके बारे में, पहले ये था कि लोगों का इन अर्ली टाइम्स जो है पीपल बिलीव दैट द अर्थ इज़ फ्लैट, अर्थ बिल्कुल फ्लैट है, प्लेट की तरह है, फ्लैट है, और ये इर्द गिर्द घूमना और ज़मीन आसमान का आना ये एक उल्टी बात लगती थी उस वक्त फिलासफर थे जिस पर कुरान ने कहा। तो कुरान ने आज से 1450 साल ये बात पहले ये बात कही थी। उस बात के अंदर अगर आप गौर करेंगे इन आयात में सूरह लुक़मान की आयत 29 ज़ुमर की 5 के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी कि वाकई की ज़मीन जो है गोल है या बेसदी शक्ल की है लेकिन ज़मीन जो है वो फ्लैट नहीं है। तो अलम तरा अन्नल्लाह युलिजु लैल फिन नहारि व युलिजु नहारा फिल लैल व सखर अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा, वो बह रहे हैं, चल रहे हैं, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरह यासीन के अंदर है, वो एक ऑर्बिट के अंदर चल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि चीज़ें, आज तो साइंस ने प्रूव कर दिया है कि सूरज भी घूमता है, ज़मीन भी घूमती है, चांद भी घूमते हैं सर्कल में। खलक समावात वल अर्द बिल हक युकव्विरुल लैला लन नहार युकव्विरुन नहार, कव्वर तकवीर कहते हैं लपेटने को, यानी रात को लपेटना, तो घूमेगी तो लिपटेगा ना, यानी घूमती जा रही लिपटे जा रहे, इधर आती है तो सूरज के सामने दिन आ जाता है, जब घूम के इस तरफ जाती है तो रात आ जाती है, तो ये लपेट रहे हैं। सखर अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा अला हुवल अज़ीज़ुल ग़फ़्फ़ार, और सूरह यासीन का जो मैंने आपके सामने हवाला किया इससे ये समझ में आता है। तो बहरहाल अब तक जो डिस्कशन है हमारी वो कुरान के बारे में के सोर्सेज ऑफ नॉलेज इन इस्लाम, जो बेसिक दो टू फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ नॉलेज इन इस्लाम, फर्स्ट प्राइमरी सोर्सेज जो थी रेवलेशन वही है, वही में रिसाइटेड कुरान है, और सेकंड जो है नॉन रिसाइटेड सुन्ना है। तो कुरान का अब तक जो डिस्कशन हुई है कुरान की एक्सप्लेनेशन थी, नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह नॉन रिसाइटेड सुन्ना है उसकी एक्सप्लेनेशन उसकी डिटेल जो है डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम इजमा और क्यास और सेकेंडरी सोर्सेज अकल जो है रीजन को यूज़ करना जो उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ाकुम।